अयोध्या में राम मंदिर का चंदा खा गए बीजेपी, वो कैसा है मोदी चोर? एक प्रधानमंत्री है, किसी खराब चाहेगा नहीं, तो इनको देंगे पेच के पैसा। आपसे इनसे कनेक्शन होगा, इनसे पूछ सकते हैं आप। आज से 15-20 साल पहले हर देहात में, दिल्ली हो, मुंबई हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, कहीं पर भी बिजली था नहीं था। अब बीजेपी का नाम बताएं, उसका नाम हमको बताइए पूरा, तब हम समझेंगे कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। क्या लग रहा है अब जो अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ से कह दिया कि अखिलेश यादव जो है और मुस्लिम और यादव फैक्टर इस बार नहीं चलेगा यूपी में, जो है अखिलेश यादव की सरकार आएगी वहाँ पे जो है हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई जो है सब समझदार हैं, वो जो है ना जो है वैसी को देंगे ना जो है बीजेपी को देंगे, ज़्यादातर सब जो है अखिलेश यादव को ही चाहते हैं वहाँ पे, और अखिलेश यादव की ही सरकार आएगी 2022 में, उसके सिवा कोई नहीं आएगी। वैसी जो है वहाँ लखनऊ पहुँचे हुए हैं, मुसलमानों को बौखला रहे हैं, और वहाँ के बौखलाने वाला बात नहीं किया। हाँ, तो वो जो है बौखला ही रहे हैं, वो पहुँचने का मतलब है वो जो है वोट काट रहे हैं, मुसलमान और हिंदू सबका वोट काट रहे हैं, वो बीजेपी वाले को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं कि वोट काट के हम जो है योगी आदित्यनाथ योगी को जो है हम जो है जिता दें। ऐसा वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ के मुसलमान और हिंदू सिख ईसाई सब समझदार हैं, उन्होंने ये तय कर लिया कि अब की बार जो है अखिलेश सरकार बनेगी, उसके सिवा कोई नहीं बनेगा, और योगी जो है आउट हो जाएंगे वहाँ से। तो मायावती के बिना सरकार बनना तो उत्तर प्रदेश में संभव नजर नहीं आ रहा है। मायावती तो वो एक खिलौना है, ये जो है वो कोई ये सरकार ना चला पाएगी ना जो है क्या नाम है इलेक्शन लड़ पाएगी, वो खिलौना है, वो जो है हाथी के साथ जो है हमेशा खेलती चली आई है, और वो जो है जहाँ जहाँ गई है उसने जो है हाथी पार्क बना दिया। अगर वो जो है क्या नाम है ये लखनऊ में पूरा पार्क बना दिया गया था, फिर जो है उसकी सरकार आई तो उसने तोड़वा दिया गया, ये तो खिलौना है, ये हाथी से खेलती है, ये सरकार क्या चलाएगी यूपी में? साइंस टेक्नोलॉजी मोदी जी ने ले लिया, तो आप तो लग रहा है कि साइंस में हिंदुस्तान बहुत ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो वो जो है क्या नाम है गोबर से जो है नहलाएंगे और कोरोना वायरस जो है ख़त्म हो जाएगा, और गाय मूत्र से जो है आपको जो है ये हार्ट का जो है वो ब्लड प्रेशर जो है सही हो जाएगा, वो सब मूत्र और गोबर से जो है वो कर रहे हैं साइंस, इतनी जो है पड़ गई है, बहुत हेवी साइंस चला रहे हैं। हाँ, बहुत हेवी चला रहे हैं, और रामदेव बाबा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है चला रहे हैं कि आप गोबर से नहा लिए कोरोना जो है आपको जो है वो सही हो जाएगा, वैक्सीन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका ये है, और गाय मूत्र पी लिए कोरोना वायरस सही हो जाएगा। बताइए भाई साहब, आप लोग तो बेकार का असदुद्दीन ओवैसी के पीछे पड़े हुए हो, तो मुसलमान के पक्ष में बात करता है और आप लोग खाली उसके खिलाफ बोलते हैं। वो मुसलमान के पक्ष में नहीं, वो बीजेपी के पक्ष में बात करता है, मुसलमानों को जो है बहकाता है सीधे साधे मुसलमानों को, अब मुसलमान अब जो है ये समझ गए कि ये बीजेपी का जो है आदमी है, बीजेपी वाले को जो है वोट दिलाता है, और मुसलमानों को जो है हिंदू मुसलमान करके लड़वाता है, और दूसरों को जो है वोट बांट देता है, ये है ओवैसी की चाल। और उससे जो है तेलंगाना में जहाँ वहाँ रहता है वहाँ रहे अपना हैदराबाद में, और यहाँ जो है यूपी में आके जो है भोले भाले मुसलमानों को हिंदुओं को भड़काता रहता है, लड़वाता रहता है, इससे जो है हिंदू मुस्लिम जो है बढ़ जाते हैं, और फिर जो है हिंदुओं को कहते हैं कि भाई ये जो मुसलमान जो बेकार है, तो वो जो है बीजेपी को वोट दे देते हैं, और मुसलमान जो है उसमें जो है बेगुनाह मारा जाता है, ये बहकाता है वैसे की वजह से। हाँ, वैसे की वजह से वो बहकाता है, हिंदू मुस्लिम करवाता है, वो दंगा वादी है, वो हिंदू मुस्लिम करा के इधर जो है दंगा करवाता है, हर जगह दंगा करवाता है। और अयोध्या में जो है आप देखिए, अयोध्या फैजाबाद यूपी जो है हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं रहती है। जब से ये बीजेपी आई है वहाँ पे जो है नफरत हो गई है, और वहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ जो है लोग जो है रहना नहीं चाहते हैं वहाँ पे, ऐसा है। और जो है आपकी जो है इंशाल्लाह जो है 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी, उसके सिवा जो है कोई नहीं आएगी, चाहे वैसी रहे, चाहे मायावती, चाहे जो है बीजेपी का जो सुप्रा साहब है वहाँ, वो जीरो है, जीरो वैसी का मतलब देखिए बंगाल में क्या हाल हुआ उसका, लात खा के चला गया यहाँ से मुंह पीट के, वैसे जो है वहाँ यूपी में भी ऐसे मुंह पीट के वो चला जाएगा, उसको कोई वोट नहीं देगा जो है वहाँ के। ज़्यादातर मुसलमान जो है समझदार हैं कि वैसे जो है बेकार आदमी है, इसको देना बेकार है, इसको जो है ऐसा है। दादा क्या नाम है आपका? राजू। क्या नाम है? राजू। राजू पूरा नाम बताइए। पासवान। अच्छा पासवान, बिहार से रहने वाले का? जी। लग रहा है कि चिराग पासवान के बहुत करीबी लोग हैं। अच्छा, चिराग पासवान के करीब नहीं है, देखिए सब तो कहते हैं मोदी खराब है, एक प्रधानमंत्री है, किसी खराब चाहेगा नहीं, नहीं रहे से खराब जाएगा नहीं, मतलब कहाँ नहीं जाएगा मोदी है, ऑल वंडा इंडिया वंडरफुल प्रधानमंत्री पीएम। अच्छा, बोले कैसे कैसे बताइए। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले, ठीक है, हम कोई पार्टी नहीं बोलेंगे, नॉट सीपीएम, नॉट कांग्रेस, नॉट बीजेपी, किसी ने देश के जो आगे बढ़ाएगा उसी बारे में बोलेंगे। बताइए 15 साल पहले ना कोई पार्टीशन लेना ना देना हमको, बताइए ना। आज से 15-20 साल पहले
हर देहात में हाँ। दिल्ली हो, मुंबई हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, कहीं पर भी हाँ। बिजली था नहीं था, ये बिजली मोदी जी के बाद आया है ना, बिजली था ये वाला बिजली कब आया, ये जो अली भाई मोदी जी के बाद आया क्या ये मोदी जी क्या लगवाएंगे, मोदी जी तो जो जीरो है, 15 लाख रुपए तो दे नहीं पाए मोदी बात छोड़िए, मोदी की बात छोड़िए, नो पार्टी बोले दोनों, नहीं मैं जो आप मोदी जी बोल रहे आप बोलिएगा, मोदी का काम किया, ममता भी नहीं बोल रहे, हम ममता की नहीं बोल रहे, क्या काम किया, देखिए हम पीएम के बात बोल रहे हैं, हम पीएम के बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री वाली बोल रहे हैं, पीएम आज से 15-20 साल पहले देहात में रास्ता था नहीं था, बनवाए हर घर घर में बिजली था नहीं था, देखिए देहात में बोलिए, पश्चिम बंगाल बात नहीं बोल रहे, देखिए देहात में दिल्ली आप खुद बनाए कि मोदी जी बनाए, हम इंदिरा आवास दिए हमको, अच्छा मोदी जी है, इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा आवास है, तो मोदी जी कहाँ से दी, इंदिरा आवास इंदिरा गांधी, इंदिरा आवास इंदिरा गांधी की है, ठीक है, बिलू पास किया हाँ। नाम किसका हो रहा है, जो देगा वैसे नाम होगा जी, नाम किसका होता है, ये अच्छा सुनिए, कुर्ता खरीद के लाए आप सिया टेलर, ठीक है, पहना दिया आप अपने भाई को, तो उसका मालिक आप हुए कि आपका भाई हुआ, देखिए नो नो कुर्ता जो कंपनी खरीदे ठीक है, अगर ये आप हमको खरीद दिए ठीक है ना, तो आपको नाम देंगे ना, ये जो बिल पास हो तो उसी नाम देंगे, जीएसटी जीएसटी सिर्फ सब पार्टी चिल्ला रहा था, क्या फायदा हुआ जीएसटी से, हाँ सरकार बंगाल में पैसा मिल रहा है, दिल्ली में पैसा मिल रहा है, हमको टैक्स मिल रहा है, 1000 करोड़ रुपया ममता बनर्जी का बाकी है जीएसटी वाला, जीएसटी 50% बंगाल का, 50% तो बाकी है सेंटर का, बाकी है मिलेगा ना सब कुछ मिलेगा, क्या अच्छा लग रहा है, आदमी बोल रहे हैं अच्छे दिन आया, अच्छा बताइए तो 2014 के बाद अच्छे दिन आया, अच्छे दिन खराब कौन सी है, कपड़ा अगर अच्छे दिन आया है तो आप ऊपर अच्छा, सुनिए सुनिए मैंने 101 बात कर, एक सवाल है मेरा ठीक है, डीजल जो गैस तो बिहार में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पर 200 में मिल रहा है सिलेंडर, क्या 200 नहीं मिल रहा है, नंबर सिलेंडर का दाम था तो स्मृति ईरानी परेशान थी बेचारी, खाली मीडिया पे आके बोलते रहते थे ये हो रहा वो हो रहा, और आप अभी 950 रुपए हो गया, बड़े अच्छे दिन आ गए, इसका दाम पर है कि नहीं, पहले यहाँ मकान था फ्लैट था नहीं था, आदमी संख्या था, आप भी देखिए 14 से पहले यहाँ फ्लैट नहीं था, खाली था 14 से पहले देहात में, जहाँ खाली था पहले पेट्रोल था 60-62 रुपया तो बहुत ज्यादा दाम था 58 रुपया, आज 100 रुपीज हो गया तो बहुत सस्ता हो गया, हर चीज का भाव बढ़ेगा, अभी आपको मोदी जी घर दे दिए मैंने बहुत कुछ दे दिए, हर चीज का भाव बढ़ेगा, छोटा सा घर दे दिए मैंने बहुत कुछ दिया, देश के जनता के साथ इतना ले रहे हैं तो वो परेशान नहीं है आप, ठीक है वो खराब है, आज से पहले 14 साल पहले रास्ता बनना बिहार में क्या चालू नहीं हुआ था, हम बोल रहे खराब है, बिहार से हम लोग क्या बंगाल से ही रहे, हम लोग बिहार नहीं गए, सुनिए आप बोल रहे खराब, हम बोल रहे खराब, ठीक है ना, सावा से करवाए खराब, अब आप बेमानी से जीतेगा तो क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री दुबार प्रधानमंत्री कैसे हो गया, आप अगर चीटिंग से जीत जाइएगा तो क्या करेगा बताइए, आदि बोल रहा है बंगाल में साफ हो गया, साफ कैसे हो गया, साफ कांग्रेस सीपीएम होगा, अरे सेकंड पोजीशन बीजेपी है तो सरकार बना रही है तो क्या करिएगा, बीजेपी तो सरकार बीजेपी में क्या बंगाल में था सरकार नहीं था ना, तृणमूल था, तृणमूल फिर आया, इसमें क्या बात है, अच्छा एक बात बताइए अम्फा, हाँ सुने सुने भैया, यास आया था तो आप बंगाल में थे कि बिहार में थे, हम यहाँ पर थे, तो अमित शाह 4-5 बार आपके घर आए होंगे यास में, ले 4-5 बार नहीं, मोदी जी आया था, ममता भी आया था, घर में आए थे मोदी जी, घर में गए जहाँ से एरोप्लेन से, जब वोट लेने आए थे तो अमित शाह कितना बार आए थे पता है आपको, हाँ 5-6 बार आया था, बेसी आया था, हाँ 57 बार, तो देखिए हर नेता काम है, जब वोट जब पड़ेगा सब आएगा, तो फिर आप बीजेपी के खिलाफ हो गए, फिर तो आप बीजेपी के खिलाफ हुए ना, किसी में खिलाफ नहीं हूँ, वो तो अच्छे किए हैं, चिराग पासवान बेचारे इतने बड़े पार्टी के थे, एक सीट बचा बाकी सब खत्म हो गया, वो जो है पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष से हटा के उनके भाई को हटा बना दिया गया रामविलास पासवान के, तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी ने तो उनके साथ मर गया ना, रामविलास मर गया ना, था उसको तकलीफ हो गया थोड़ा होता ही ना, एक सीनियर जी कोई अगर उधर जाने से डेट हुए ना तो उसको तकलीफ हो करके पा, हम लोग के देखिए 10 आदमी है जो मेन मेंबर है, अगर उनकी कुछ घटना घट जाएगा तो दूसरे प्रभाव तो पड़े करना, अच्छा एक बात बताइए आपके पिताजी कोई प्रॉपर्टी को खरीदेंगे 50 करोड़ में जी, अब पिताजी स्वर्गवास हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी आपको मिलेगा या आपके भाई को मिलेगा, या मतलब आपके पिताजी के भाई के मिलेगा, किसको मिलेगा प्रॉपर्टी के हकदार कौन है, आप हुए या आपके चाचा होंगे, तो हम ही होंगे ना, तो फिर प्रॉपर्टी जब चिराग पासवान का है तो उसके भाई को काहे मिला,
अरे हम इस पार्टी में बोलते हैं बाबा कि हम चुनाव जीतने के लिए जुमला देते हैं इंसान को, तब भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। बीजेपी देखिए 3000 मुख्यमंत्री आपको, अगर बीजेपी हार भी जाए ना, हम तो कहते हैं इतना चला लिया, आप जिसका जो मर्जी है 10 साल कोई चला देखें, अब आपको बैठे तो समझेंगे करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगा। हम देख लेंगे, कोई अगर चला के दिखा दो हम समझ चला लेंगे। 70 साल तो चलाया है कांग्रेस ने, 70 साल अब बोलेंगे 70 साल जो रह चुका है, और ये 10 साल में तो पूरा हिंदुस्तान को बेच दिया, अब कितना चलाएगी, 15 साल चलाएगी, पूरा जो है आपको भी बेच देगी फिर आपको। अच्छा दादा एक बात बताइए, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो लाल किला पर, लाल किला भाड़ा पे नहीं था, रेलवे बिक नहीं रहा था, तो ये अच्छे दिन आ रहे हैं तो क्या बेच बेच के अच्छे दिन लाइएगा? हाँ सब बेच के लाइए, सब बेच के दिया है, पूरा ट्रेन बेच दीजिएगा, पेट्रोल बेच दीजिएगा, हो सके पैसा नहीं आ रहा है, फायदा नहीं आ रहा है, उसी का कैब लगा दें। अच्छा 100 रुपए पेट्रोल हो रहा है फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, बिहार में रास्ता नहीं, हाँ क्या बोला कि पैसा नहीं आ रहा तो बेच के पैसा लाएंगे, क्या चीज बेच के पैसा लाएंगे? मतलब ट्रेन वो इनको देंगे बेच के पैसा, आपसे इनसे कनेक्शन होगा, उनसे पूछ सकते हैं आप, हो सकता है आपका नंबर है क्या मोदी जी, क्या आपका मोदी जी का नंबर उम्र है क्या आपके पास? बिहार में जमीन हो सकता है मोदी जी से डायरेक्ट उनका बात होता होगा, रोड अच्छे बनाए का पार्टी का नाम। अरे आपको बता रहे समझिए, 2014 से पहले हम लोग पहाड़ में रहते थे, 2014 के बाद ही बाहर निकले हैं सब आदमी, और आप रहते थे मोदी जी के पास। हाँ बात समझिए, पार्टी का नाम क्या है वो बताओ हमको। मैंने क्या बोला? बीजेपी का, नहीं नहीं आप बीजेपी का नाम बताएं, उसका नाम हमको बताइए पूरा, तब हम समझेंगे कि आप बीजेपी का सपोर्टर है, वो हमको बताइए। कोई बात नहीं है, मगर चिराग पासवान को तो मिलना चाहिए एलजेपी की कमान, ये तो बात बोलिएगा ना आप। अरे चिराग पासवान मेरे तरफ से जीता, हम तो इतना ही बोलेंगे जो अच्छा काम कर वो रहेगा पास, तो जो पार्टी रहे तृणमूल हो अच्छा किया तो किया है, एक अच्छा काम गिनाइए ना उनका, आप बीजेपी का एक अच्छा काम गिनाइए, एक अच्छा काम से एक अच्छा काम आप गिना दीजिए, एक अच्छा काम किया इतना दिन में, एक वादा पूरा किया, आप एक अच्छा काम गिना दीजिए, आप तो बोल रहे ना अच्छा काम जो करेगा रहेगा, आप बेईमानी से जीत जाइएगा, आपका राज्य, आपका जहाँ राज्य चल रहा है, आपका जहाँ पावर, अच्छा काम बताइए, हम ममता बनर्जी का अच्छा काम बता रहे हैं, ठीक है देखे कौन इसमें जो है ज्यादा है। देखिए ममता भी किसी की नहीं है, बीजेपी किसी की नहीं है, सिर्फ अपना कमाएगा खाएगा। ममता के बल पे तो आप यहाँ रुके हुए हो, यहाँ इतना बोल रहे हो, अब बीजेपी के बल पे रुके हुए हो, काम करके खा रहे ना, किसी की चोरी की डकैती नहीं सभी कर रहा है, काम तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ये तो नहीं की आपको लाके नुमाना दे देगा, किसी देगा नहीं, हाँ वो तो बात सही है, लेकिन मेहनत के लिए तभी खाएंगे ना, और बीजेपी कहाँ दे रहा है आपको, बीजेपी कोई दे रहा है आपको? देगा नहीं, नहीं दे रहा है ना, बीजेपी मीन्स मुर्दाबाद, बीजेपी बोलिए आप मुर्दाबाद बोलिए बीजेपी को, पार्टी का समर्थक हो जाएगा, समझे मोदी चोर ये बोलिए आप, प्रधानमंत्री समझे, अगर प्रधानमंत्री है पूरा किसान जो है भूखा मर रहा है वो कैसा प्रधानमंत्री है भाई, पूरा किसान जो है भूखा मर रहा है उसके लिए नहीं है, और राम मंदिर अयोध्या में, अयोध्या में इधर आइए ओ भाई इधर आइए, अयोध्या में हेलो, अयोध्या में राम मंदिर का चंदा खा गए बीजेपी, वो कैसा है? 10 मिनट में जो है आप जो है 2 करोड़ की जमीन जो है 10 मिनट में, वो 7:10 में 2 करोड़ की खरीदी गई, और 7:15 पे 18,50,00,000 की जमीन, ये कौन सा बिजनेस है भाई? वो जमीन जो है क्या सोना दे रही थी, जो बीजेपी वालों ने ये खरीद लिया 16 लाख रुपए, वो 16 करोड़ रुपए दे के ज्यादा है, वो बीजेपी, बीजेपी चोर में चोर राम मंदिर का पैसा खा रही है, जो मजदूरों के पैसे से जो है राम मंदिर में जमा किया गया वो पैसा जो है वहां का मुख्यमंत्री खा रहा है, वो सब चोर है बीजेपी, बीजेपी जो है कोई अच्छी पार्टी नहीं है, सबसे लखेरी पार्टी है बीजेपी, समझे।